Hey guys, this is Ujjwal Kumar Sen and you're watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, आज का वीडियो टॉपिक हमारा क्या है? मैकेनिकल वर्सेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट? तो गाइज, इसके अंदर घुसेंगे क्या कहानी है क्या नहीं है, और प्लस 10 साल से जो चल रहा है, मतलब आई विल शेयर विद यू माई 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, बिकॉज इट सेल्फ आई एम मैकेनिकल इंजीनियर. मैंने बी टेक भी किया है, एम टेक भी किया है, और 4 साल मैंने डिफरेंट जगह फिजिकल कोचिंग में या फिजिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, एंड देन आफ्टर ऑनलाइन 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चों का फीडबैक लेने के बाद, राइट, आई विल शेयर विथ यू ईच एंड एवरीथिंग. सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड कीप लिसनिंग टू मी. आप ये सुनते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा. सो पहला भाई साहब बात करेंगे, भाई साहब को क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स. अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करोगे भैया, कौन सा ब्रांच बेस्ट है, तो यहाँ पर थोड़े से मैटर करेगा, राइट? अगर मान लो आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तो आपका ब्रांच कौन सा है भाई साहब? अच्छा है, इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी ज़्यादा है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हर स्टेट में होता है, तो उनके वैकेंसीज निकलते हैं, और वैकेंसीज निकलेंगे, जॉब तो लगेगा ना. सैलरी कितना होता है? हर स्टेट का अलग अलग होता है, कौन सा स्टेट कौन से पे कमीशन दे रही है अपने एम्प्लॉयज को. अगर सेंट्रल में जितना पेमेंट मिल रहा है एम्प्लॉयज़ को, जेई वाले को, स्टार्टिंग सैलरी 40-45 हज़ार है. और अगर आप बोलोगे जिसके पास, बाकी मैंने बहुत से स्टेट्स का एनालिसिस करा है, नॉट लेस देन 30,000, 35,000 मिलता है, 40,000 मिलता है, 45,000 मिलता है, राइट? सो ये था आपका क्या, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब्स. तो जीत कौन गया भाई साहब? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीत गया. लेकिन अगर PSUs की बात करोगे भैया, तो भाई साहब कौन जीतता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग जीतता है. अगर आप बात करते हैं RRB का, तो भाई दोनों का ही लगभग, इसमें जितने हारना नहीं, डिपेंड करता है कौन सा वैकेंसी आ रहा है और कितना वैकेंसीज है, फिक्स नहीं होता है चीज़ें, राइट? RRB का हर साल नहीं आता है आपका वैकेंसी, स्टेट गवर्नमेंट का भी हर साल नहीं आता है, बट PSUs का हर साल आता है. किसके थ्रू से होता है भाई साहब? दो तरीका है PSUs में जॉब लेने का. एक भाई साहब क्या है, गेट है, और दूसरा क्या है, उनका खुद का एग्जामिनेशन है. इस साल जैसे हुआ है, कोल इंडिया का हो गया है, वाइजाग का होगा, RCFL का होगा, NLC का होगा, राइट? तो ये सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में, राइट? तो यहाँ पर कौन जीता था भाई साहब? PSUs में मैकेनिकल, RRB दोनों के बराबर हैं, राइट? तो ये आपका जॉब्स का मेन बेसिकली है. अगर नॉन टेक की बात करोगे भाई साहब, दोनों बराबर है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट एक एज जो मेन एडवांटेज मेरे को दिखता है, वो क्या भाई साहब? स्टेट गवर्नमेंट का जॉब जो है इलेक्ट्रिकल का निकलता है, मैकेनिकल का निकलता नहीं है उसमें. अगर निकलता भी, 2-4 वैकेंसी होते हैं उसमें, कहाँ तो कंसीडर नहीं करना चाहिए. नॉन टेक में बराबर है, बता दिया आपको. अच्छा, नेक्स्ट भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैकेज कितना लगता है? देखो भाई साहब, पैकेज सबसे ज़्यादा किसका लगेगा भाई साहब? आपका PSUs का लगेगा, राइट? मैक्सिमम पैकेज कितना होता है? 21 लाख का होता है लगभग, CTC, कॉस्ट टू कंपनी, राइट? ये दोनों को मिल सकते हैं, बिकॉज पावर ग्रिड भी अच्छा सैलरी देती है, ONGC भी अच्छा सैलरी देती है, मतलब मैकेनिकल वाला जा सकता है और इलेक्ट्रिकल वाला भी जा सकता है. तो दोनों के पास क्या है? अच्छा अपॉर्चुनिटी है. और एक खास बात क्या है भाई साहब, गेट को एग्जाम जो है, कोई भी बच्चा कहीं से भी कॉलेज से पढ़ा हो, जो AICTE अप्रूव्ड हो या फिर UGC वाला हो, तो भर सकता है, फॉर्म दे सकता है. मतलब सबके पास, सारे जितना इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, सबके पास अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को दे के इस तरह का जॉब लेने का, राइट? मेहनत तो करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, और एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, UPSC जो है, UPSC, ESC जो एग्ज़ाम्स हैं, इनमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट? लगभग बराबर का हिसाब बना सकते हो, थोड़ा सा मैकेनिकल का ज़्यादा रहता है. बट अगर आप बात करेंगे SSC का, और आपका बात करेंगे UPSC ESC का, सबसे ज्यादा वैकेंसी किसका रहता है भाई साहब? सिविल का रहता है. सबसे वैकेंसी किसका रहता है? सिविल का रहता है. अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, प्लेसमेंट, और इसी में क्या आता है, प्राइवेट जॉब्स. तो प्राइवेट जॉब्स लेने के लिए क्या भाई साहब, क्या है आपके पास? सिर्फ दो तरीका है प्राइवेट जॉब्स लेने के लिए. एक भाई साहब क्या है आपका, ऑन कैंपस. दूसरा भाई साहब क्या है, ऑफ कैंपस. दो आपके पास तरीका है प्राइवेट जॉब लेने का. एक क्या हो गया, ऑन कैंपस. दूसरा भाई साहब क्या हो गया, ऑफ कैंपस, राइट? अच्छा, अब देखिए, ऑन कैंपस जो आपका है, उसमें जॉब मिलना आसान है,
एज कंपेयर टू ऑफ कैंपस, बिकॉज ऑफ कैंपस में सैलरी भी कम होता है और जॉब मिलना भी मुश्किल है। तो भाई साहब इसमें मैटर करेगा जो प्लेसमेंट होगा जॉब लग, वो भी कोर कंपनीज में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईटी कंपनीज। कोर कंपनीज मतलब क्या, मैकेनिकल तो मैकेनिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो प्लेसमेंट डिपेंड करता है किस पर भाई साहब, जो मैंने देखा अब तक मेरी ऑब्जर्वेशन 10 साल के, तीन चीज पर डिपेंड करता है, आप, आपका कॉलेज और भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी, कंपनी का स्टेटस कैसा है, क्या उसका पेइंग कैपेसिटी आपको पे करने का अच्छा, क्या कंपनी अच्छी चल रही है मार्केट में, क्या कंपनी का स्टेटस कैसा है मार्केट में। तो वही चीज पर, तीन चीज पर डिपेंड करता है, आप, कॉलेज और कंपनी, आपका प्लेसमेंट का पैकेज और होगा नहीं होगा उस पर भी। बट एक चीज है, दोनों के लिए एक प्रॉब्लम है, कोर कंपनीज ज्यादा नहीं आते हैं, इवन कुछ बड़े कॉलेज में इस साल देखा इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैकेनिकल ही करता है और इलेक्ट्रिकल ही करता है, वो क्या करता है प्रोग्रामिंग सीखता है फिर आईटी सेक्टर में चला जाता है। जाने में कोई दिक्कत उलाद नहीं है, मेरे नोन के कुछ बंदे हैं जो 5 साल से जॉब कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट भी चले गए, लेकिन आईटी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम होता है, कंपनीज क्या करती है, आईटी सेक्टर दो तीन चीज का बेसिकली आपका फील्ड होता है, एक डेवलपमेंट, एक टेस्टिंग और एक सेल्स सर्विस, या फिर बोल सकते हो आपका कस्टमर केयर, टेक्निकल कस्टमर केयर। जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर किसी और ब्रांच से जाते हैं सॉफ्टवेयर फील्ड में, उनको डेवलपमेंट नहीं मिलता है। तो भाई साहब जिसको ज्यादा सैलरी मिलता है, जिसका ज्यादा ग्रोथ होता है, वो डेवलपमेंट होता है, तो प्रॉब्लम वहां पर है। तो अगर आपको आईटी फील्ड में जाना है तो जबरदस्त नॉलेज लेके जाओ ताकि आप डेवलपमेंट ले पाओ, डेवलपमेंट फील्ड ले पाओ। डेवलपमेंट फील्ड जाओगे भाई साहब मजा आएगा, बिकॉज ट्रेनिंग तो देंगे आप, जाओगे ट्रेनिंग देंगे आपको जो सॉफ्टवेयर में, जो चीज में वो काम कर, जो टेक्नोलॉजी को उस, जिस टेक्नोलॉजी से कंपनी वाले काम करते हैं। तो ये चीज आपको टिप्स देना चाहूंगा, ये मेरा टिप्स नहीं भैया, जो बंदे काम कर रहे हैं इतने साल से वो मुझे बताए, वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाए और इसका बेनिफिट ले पाए। बिकॉज हो सकता है आप किसी छोटे कॉलेज से बिलोंग करते हैं, आपको जाना पड़ रहा है आईटी फील्ड में, तो ये चीज को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, तो भाई साहब प्लेसमेंट कैसा बता दिया, कितना पैकेज लगता है। देखो अगर आप आईआईटी बॉम्बे से कॉलेज से पढ़ रहे हो, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, ऐसे कॉलेज से अगर पढ़ रहे हैं, गुवाहाटी भी, तो भाई साहब का पैकेज आप 12 से 15 एवरेज मान के चल सकते हो, 10 ले लेता हूँ इसको, 10 से 15 आप एवरेज पैकेज, मतलब 10 से 15 लाख का एवरेज पैकेज है। बाकी भाई साहब देखो, बाकी किसी कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, कुछ कॉलेज में हो सकता है, बट एवरेज में लगभग अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो भाई साहब क्या करें, आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन करिए, या फिर ऑफ कैंपस जाओ या फिर आईटी। तो आपको जो करने आगे अपने लाइफ में उसके हिसाब से आप एक्शन लो। अगर मान लो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज चाहिए, आप स्मॉल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो भाई साहब आप क्या करिए, प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, जिस फील्ड में काम करना है, या तो गेट का, और एक भाई साहब क्या है, कैट का। कैट के थ्रू से आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। अगर मान लो आईआईएम अहमदाबाद से कोई पढ़ता है, हालांकि सारे के एडमिशन नहीं मिलते, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, आपका जो एवरेज पैकेज है 22-24 लाख का एवरेज सैलरी होता है पर एनम, इंडिया का प्लेसमेंट बता रहा हूँ, बाहर नहीं, ओवरसीज में ज़्यादा होते हैं, राइट। तो भाई साहब 22 लाख इज नॉट ए जोक, राइट। और इस साल बता दूँ आपको, बीटेक का डोमेस्टिक मैक्सिमम प्लेसमेंट कितना गया है, लगभग 60 लाख का गया है पर एनम, मतलब एक साल का 60 लाख सैलरी है। और एक जो इंटरनेशनल गया है भाई साहब, कितना गया है, 1.5 करोड़ का गया है एक साल का, लेकिन वो यहाँ पर जॉब नहीं करेंगे, यूएस में जाकर जॉब करेंगे, वहाँ खर्चा भी होगा। अच्छा गाइस, अब बात करते हैं सैलरी आफ्टर 5 to 10 years। देखिए आप किसी भी कॉलेज से पढ़ते हो, स्टार्टिंग सैलरी मैटर करता है, लेकिन आफ्टर 10 years, 5 years तक फिर भी शायद मैटर करे, आफ्टर 10 years क्या मैटर करेगा, आपके नियत कितने साफ हैं, आप कितना डेडिकेशन के साथ कंपनी को हेल्प कर रहे हो कंपनी को ग्रो करने के लिए। कंपनी अगर ग्रो करेगी तभी आप ग्रो कर पाओगे। अक्सर यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, जिनके सैलरी कम होता है वो क्या सोचते हैं, और ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ काम कर रहा था, लोग क्या सोचते हैं कि मेरा तो 12,000 सैलरी है, मैं क्यों काम करूँ, ये गलत सोच है। आप सोचो आपकी 12,000 सैलरी क्यों है भाई, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तभी आपका 12,000 सैलरी है। तो भाई साहब जो कमी है उसको निकालो। कमी को निकालने का एक ही तरीका है भैया, जहां काम करो 12,000 के लिए आप अच्छे से वहां पर काम करो।
अगर आप अच्छे से काम करेंगे, आपके सीनियर्स आपको रेस्पेक्ट देंगे, सीनियर आपको इंक्रीमेंट आपके लगेगा और आप ग्रो कर पाएंगे। और ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट पाने का एक ही तरीका है भाई साहब, क्या है, कंपनी जंप करो प्राइवेट सेक्टर में, मतलब कंपनी चेंज करो, नौकरी छोड़ के कंपनी में इंटरव्यू देने मत जाना। कंपनी में काम कर रहे हो, दूसरे कंपनी में इंटरव्यू दो कुछ एक साल बाद, उसका क्या कर देखना, आपको सैलरी हाइक मिलेगा 20% असली मिलेगा। मान लो 20,000 सैलरी है तो आपका 24,000 हो जाएगा, और मैक्सिमम हाइक कितना मिलता है, 100% ही मिलता है, मतलब किसी का 20,000 तो 40,000 भी हो सकता है। दैट इज डिपेंड ऑन यू एंड मार्केट कंडीशन एंड द कंपनी इन विच कंपनी विल अपियर फॉर इंटरव्यू। ये काफी बार हुआ है, मैंने काफी वीडियोस में अपने दोस्तों ने बताया भी है, अपने फ्रेंड और फ्रेंड है जिसने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है, उसका सैलरी फिलहाल 60,000 पर मंथ है आफ्टर वर्किंग 6-7 ईयर्स, ज्यादा हो गया अब तक, लास्ट ईयर 60,000 था। तो भाई साहब देखो, डिपेंड करता है, हाँ एक बात है, अगर स्टार्टिंग सैलरी आपका अच्छा मिले 1,00,000 मिले तो आपको ग्रोथ पाने में आसान होता है, बिकॉज आप 1,00,000 के पोस्ट पर हो, आप ऑलरेडी अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो, अच्छे कंपनी में काम कर रहे होंगे, अच्छे पर नहीं काम करोगे आप और मेहनत करोगे तो आपका ग्रोथ आसान है होना। बट अगर मान लो किसी का सैलरी कम है तो वो भी ग्रोथ कर सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे कॉलेज से पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और बड़े कंपनी में चले जाते हैं एक्सपीरियंस के साथ, ऐसा भी होता है। तो अगर मान लो स्टार्टिंग में आपका कम सैलरी है तो आप उसको मत देखो, आप अपना काम 100% नहीं 200% ध्यान से करो, ताकि आप अपने जो काम कर रहे हैं उसमें अबाउट या फिर परफेक्ट के करीब पहुंच जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हो मजा आ जाएगा आपको, राइट। तो गाइस आप बोलेंगे सर आपने कंपैरिजन करना था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, आप हमें ज्ञान दे रहे हो कैसे सैलरी बढ़ेगा, बता रहा हूँ इन दोनों ब्रांचेस में खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट, बाकी क्या है सिमिलर चीजें हैं। हाँ एक डिफरेंस जरूर है, मैकेनिकल में कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल में क्या एक फायदा मिलने वाला है 2030 तक, वो क्या है ऐसा बता देता हूँ। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हेल्प मिल सकता है, मैकेनिकल तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल को भी हेल्प मिलेगा। रीजन इज सो सिंपल, बिकॉज इन्वेस्टमेंट काफी आ रहा है ऑटो सेक्टर्स में इंडिया में, पहला। दूसरा भाई साहब क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, जीएसटी रेट को इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए 12% से 5% कर दिया है, जो कपड़े में आपका लगता है। दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन भाई साहब, गवर्नमेंट जो पॉलिसी है इसमें इंडिया को लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। वैसे ऑटो सेक्टर इंडिया काफी बड़ी है, राइट, ऑलरेडी हमारे इंडिजिनस मतलब अपने खुद के कंपनी इतने सारे हैं इंडिया के, जैसे लाइक महिंद्रा है, टाटा है, स्वराज है, राइट, लॉट ऑफ कंपनीज, राइट, और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज है, आपको पता होगा इसके बारे में, राइट, ये सारे अपने इंडिजिनस है, जैसे महिंद्रा तो अपना इंडिजिनस आपको पता होगा, उसके बाद आपका टाटा अपना, राइट, देश का। सो गाइज आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो and comment below if you have any problem, my dear. If you are new to this channel, subscribe to the channel, press on the bell icon for getting notification. And one more thing, if you want to attend my live session, if you want to ask me question live, then I usually come on live on Instagram, you can follow me there and you can ask me question live. So guys, thank you very much for watching this video, see you soon in my next video, and thank you very much, bye bye, see you soon.